लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। करहल से चुनाव लड़ने के सवाल पर अपर्णा यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ाने का फैसला तो पार्टी करती है, मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं ये फैसला संगठन को करना है। पार्टी में बहुत सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और इस तरीके की बात आप लोगों के मन में क्यों आ रही है ये मुझे नहीं पता, पर हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी जिस भूमिका में हूँ मैं आपको उसी चीज का उत्तर दे सकती हूँ, पर अभी मैं यहाँ पे जिन मुद्दों को उठाने आई हूँ मैं उसी बात पे बात करूँ। और अपर्णा यादव ने आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान अपर्णा यादव ने कहा कि पहली बार मन की बात सुनी है। आज प्रधानमंत्री ने जो है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, पहला एक्सपीरियंस था, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत भाव विभोर हो रखी हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी है जी। चूंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में डिजिटल वॉर है, फॉग वॉर है, तो यूपी में का बार लगा था? अभी हम लोग सिर्फ मन की बात करें और उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से जिस प्रकार से युवा महिला उत्थान और रोजगार और सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चों को जो 15 से 18 साल की वैक्सीन के बारे में बात कही है, जिससे हम अपने बच्चों का दोबारा एजुकेशन सिस्टम जो एकदम कह लीजिए कोविड की वजह से उनकी स्टडीज अभी रुकी हुई हैं, उस दिशा में जो उनका प्रयास है वो बहुत सराहनीय है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आज पुण्यतिथि है लेकिन उसके बावजूद भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, पुण्यतिथि है तो इसके लिए हम सभी ने यहाँ पर भी इकट्ठा हुए हैं, 2 मिनट का हमने मौन भी धारण किया था, पर हमें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है और भारत के युवाओं को फिटनेस का भी मंत्र दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। लगातार जो है यूपी में काबा कर रखते हैं कि आज जो है अपर्णा यादव पहली बार भाजपा कार्यालय पहुंची थी, चूंकि मन की बात कार्यक्रम में जो है उन्होंने शिरकत की थी और वो कहना था कि आज उनको लेकर जो है, चूंकि लगातार मन की बात में जो तमाम बातें हैं वो लोगों को सकनी चाहिए। कैमरामैन रामा के साथ विशाल लोगंशी, जी मीडिया, लखनऊ।